कुड़ी, मैंने इसका फोन काटा है? ना रे ना, अगर आपने फोन काटा होता तो फोन आधा हो जाता ना, और आधे फोन से आप कैसे बात करते? कुड़ी, फोन काटने का मतलब ऐसे कैसे से काटना नहीं होता है, फोन काटने का मतलब डिस्कनेक्ट करना होता है, समझी गई? हाँ बा, बा, अगर आप मर भी गए तो सच में थोड़ी ना बाल कटवाएंगे मितेश प्रीतेश के पापा? नहीं कटवाएगा? हाँ तो, क्योंकि बाल काटने का मतलब सच में काटना नहीं होता है, तो बाल डिस्कनेक्ट करना होता है। अभी आपने तो बोली कि चकोड़ी काटने का मतलब ऐसे कैंची से लेकर काटना नहीं होता है, डिस्कनेक्ट करना होता है। बुद्धिओगरनी, बाल काटने का मतलब बाल काटना ही होता है। बाप हमेशा ऐसा ही करती है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, सो कंफ्यूज। आपने सबके लिए चाय कॉफी लाने को कहा था तो मैं ले आई, सिर्फ पत्ती लेकर आई, तना खिलानी थी। नहीं, ये पत्ती मैं वर्षा के मुंह में ठूस दूंगी, फिर दूध डालूंगी, पानी डालूंगी, शक्कर डालूंगी, इसे उठा के गैस पे रख दूंगी। तो बराबर। अरे क्या तो बराबर, फिर भी मैं चाय कॉफी बनाकर लाने के लिए कहूंगी तो बनाकर ही लाना चाहिए ना। नहीं 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 पा, उस दिन आपने मुझे लाजू भाभी की यहाँ से चने की दाल लाने को कहा था तो मैं पका के लेके आई, तो आपने मुझे डांटा कि भैरवी ये पका के क्यों लाई है, ये तो कच्ची लानी थी, और अब मैं ये कच्ची लेके आई हूँ तो भी आप मुझे डांटे। आप पहले तय कर लीजिए आपको मुझे डांटना किस पे, कच्ची चीज लाने पे कि पक्की चीज लाने पे। तो भगवान से अपने लिए थोड़ी सद्बुद्धि मांगने भाई। क्या हुआ दादी? ये देख, ये अक्कल की खान कपड़े सुखाने जा रही है। हाँ तो क्या, ये देख ये कपड़े मेले हैं, खुले ही नहीं है। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है बा। तुझे पता है? हाँ? फिर भी तू कपड़े सुखाने जा रही है, धोए बिना? आप ही ने तो कहा था ऐसा करने को बा। मैंने कहा था? हाँ? आप ही तो बोली थी उफ ये गर्मी, ये ले मेले कपड़े, मशीन चला देना और इन्हें सुखा देना। हाँ तो? तो वो देखिए बा, मैंने एयर कंडीशनर की मशीन चला दी, अब ये मेले कपड़े सुखाने जा रही थी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए बा। भैरवी, गैस क्यों नहीं जल रहा है? किसका? अफगानिस्तान के मुख्यमंत्री का। उसका नहीं पता बा। मैं हमारे रसोड़े में से आ रही हूँ तो अपने गैस के बारे में ही पूछूंगी ना। पर मैंने आपको किचन से आते हुए नहीं देखा ना बा। अच्छा, मेरी मिस्टेक, बस। तो बरोबर तो। अच्छा आप तो बता दे गैस क्यों नहीं जल रहा है बा। गैस तो खत्म हो गया ना, तो कैसे चलेगा है? तो तू तो दोपहर को नाचती हुई आई ना बा, बधाई हो सिलेंडर आ गया बा, मुबारक हो गैस आ गया। अरे वो तो 6 नंबर के दिपेश भाई का गैस आया था बा। अरे तो तू क्यों नाच रही थी जैसे बारिश में मोर नाचते हैं? बाप ने तो कहा था कि पड़ोसी की खुशी में खुश होना चाहिए। अरे फिर भी किसी के घर बच्चा आए ना तो खुश होते हैं, गैस सिलेंडर आए तो नहीं। तो बराबर। पागल है क्या? नहीं मतलब क्या है, बीमार डले हो वैसे तुम पे उठा नहीं जा रहा, मतलब है बस मतलब है ना? मैंने कुछ और उठे कैसे? मैंने कुछ और समझा। उठे कैसे? मैंने कुछ और समझा। क्या समझा? बाकायदा बोला गर्लफ्रेंड आ गई। मैंने चोर समझा। सही कह रहे, चोर और गर्लफ्रेंड में फर्क ही नहीं है। नहीं है फर्क, नहीं है लला, तुम तो गए अब। एक लड़के ने पूछा तुम कहाँ रहती हो, मैंने भी कह दिया टेंशन में। केवल 4 सवाल का जवाब दे और 500 रूपए अभी जीत है। बिल्कुल बताओ बताओ, पूछो पूछो। भारत की राजधानी? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। सुबह क्या बनाया था? पनीर भुर्जी। कल रात में पैसे चुराए थे वो कहाँ है? मेरे रेड सूट के नीचे। ठीक। बाबू नहीं, बाबू गलत, चीटिंग नहीं, 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 चीटिंग नहीं। अपना काम कर, 500 रूपए दूंगा तुझे मैं।